अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सुपीरियर मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आप लोगों की उर्दू की टीचर हूँ। आज मेरा आप लोगों के साथ लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊँगी लिखाई, के लिखाई किस तरह करते हैं। आप लोगों ने कॉपीज़ पे प्यारी राइटिंग में ये काम करना है। कॉपी में आप लोगों ने एक पेज सिलेबस के लिए छोड़ देना है और अगले पेज से आप लोगों ने ये लिखाई वाला काम करना है। मार्कर से आप लोगों ने लिखना है लिखाई, और फिर पेन से आप लोगों ने लिखना है वो हरूफ जो रे ड़े ज़े ज़े के साथ मिलकर लाइन पर ही रहते हैं। कौन से हरूफ? आपको वो हरूफ मैं बताऊंगी जिन हरूफ के साथ रे को और ज़े और ज़े को किस तरह लिखा जाता है। तो ये हरूफ जो हैं, इन हरूफ के साथ आप लोगों ने रे ड़े ज़े और ज़े को लाइन के ऊपर ही लिखना है। आपने इन चारों हरूफ को लाइन से नीचे नहीं करना, अगर आपके पास ये वाले हर्फ हों। जैसे है बे, अब बे के साथ हम रे को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे बे रे बर। तो ये जो रे है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है, लाइन से नीचे नहीं है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। जैसे हम बर्फ़ लिखते हैं तो ये पहला हर्फ उसका है बे और फिर है रे और आगे क्या आ जाएगा? फे। लेकिन हम आपको सिर्फ राइटिंग समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको आधे आधे लफ्ज़ लिखवा के बता रहे हैं। बे रे बर, फिर पर पे रे पर। इस पे भी आप देखें रे लाइन से ऊपर है। ते रे तर, टे रे टर, से रे सर। तो पहली लाइन आपको समझ आ गई, बे रे बर, पे रे पर, ते रे तर, टे रे टर, से रे सर। अगले में देखें आप लोग, जीम और रे को आपस में मिलाया हुआ है जड़। अब जड़ लिखते वक्त रे जो है वो लाइन से ऊपर है। चे रे चर, हे रे हर, खे रे खर। तो ये आप लोग देखें। अगली लाइन में देखें काफ, क्याफ के साथ आप लोग कैसे इसको मिलाएंगे? काफ रे कर, कर, गाफ रे गर, लाम रे लड़, नून रे नर, और ये रे यर। तो ये आपके पास हरूफ हैं, ये वो हरूफ हैं जो रे ड़े ज़े और ज़े के साथ लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। आप लोगों ने भी बहुत ख्याल से नीट राइटिंग में ये काम करना है। अगला है आपके पास इन हरूफ के साथ लाइन से नीचे लंबे होकर आते हैं। किन हरूफ के साथ? वो हरूफ आप नीचे देख रहे हैं कि ये जो अगले हरूफ हैं ना, ये रे ड़े ज़े ज़े और ज़े के साथ लाइन से नीचे आते हैं। अब देखें सीन के साथ जब हम रे को मिलाएंगे, तो सीन और रे को जब मिला लेंगे तो रे जो है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे होगा। सीन रे सर, शीन रे शर, सीन रे सर, शीन रे शर, स्वात रे स्वर, ज्वात द्वात रे, ज्वात रे ज़र, त्वे रे तर, ज्वे रे ज़र। इन हरूफ के साथ आप लोग देख रहे हैं रे लाइन से नीचे है। फिर देखें आइन रे अर, गाइन रे गर, फे रे फर, काफ रे कर, मीम रे मर, हे रे हर। तो आप लोगों ने भी अपनी उर्दू की लिखाई में आप लोग मुख्तलिफ अल्फाज लिखते हैं, तो जब ये रे वाली तख्ती आप लोग करेंगे तो आपको रे की समझ आ जाएगी कि रे को हम जब किसी हरूफ के साथ, हर्फ के साथ मिलाते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं। जो ऊपर वाले हैं बे पे ते टे से, जीम चे हे खे, काफ गाफ लाम नून, ये इनके साथ जब आप लोग इसको मिलाएंगे तो लाइन से ऊपर होना चाहिए। और जब आप लोग सीन शीन स्वात ज़्वात त्वें ज़्वें आइन आइन फे काफ मीम हे, तो इनके साथ जब आप लोग लिखेंगे तो इसको लाइन से नीचे करके लिखेंगे। तो आपका ये आज का जो काम है इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, और इसको फिर आप लोगों ने अपनी लिखाई में अप्लाई भी करना है। थैंक यू।